उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रैली का आयोजन किया गया। स्वाभिमान रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ऋषिकुल मैदान से लेकर हर की पैड़ी तक पैदल मार्च निकाला और रैली में शामिल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्तराखंड में ठोस भू कानून बनने के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास जारी किया जाए और इन मांगों को लेकर राज्य के हर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। यहाँ पर तमाम पूरा उत्तराखंडी का युवा, मानता है बहने, तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं और यहाँ से लेकर के हर की पैड़ी तक हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करेंगे और मूल्यवाद भाव कानून की लड़ाई को लड़ेंगे। तमाम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक हो गए। हर किसी का यही मानना है कि हमारी जमीनें बचनी चाहिए, जो नौकरियां हमें हमारे राज्य में है तो हमारे लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जितने संसाधन है उस पर पदाधिकार हमारे लोगों को होना चाहिए, इस पर सब लोग एक मत है। हरिद्वार अजीबाबाद हाईवे पर गन्ने से भरे एक ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया और ये तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं जब ट्रक में आग लग गई थी। जानकारी मिली है कि खाना बनाते वक्त ये आग लगी और आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। हरिद्वार एसएसपी के आदेश पर मंगलौर पुलिस ने आपराधिक किस्म के चार आरोपियों को एक एक महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। इन आरोपियों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ में चारों को सीमा पार भेजा और सभी आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश दिनांकित 5/11/2024 के द्वारा आपका आपराधिक गतिविधि। आजकल लोगों में रील बनाने का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा है और इसमें से कुछ लोग रील बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहां पर एक बाइक सवार एक गाने पर रील बनाने के चक्कर में जेल चला गया, क्योंकि इस बाइक सवार ने बिना शर्ट और टी शर्ट के न सिर्फ बाइक चलाई बल्कि रील भी बनाई, जिसकी खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने इस रीलबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ये लड़का अपनी हरकत के लिए माफी मांगता हुआ नजर आया। तो हेलमेट भी युवक ने नहीं पहना है और देखिए रूल्स की कैसे धज्जियां उड़ाता हुआ ये युवक नजर आ रहा है सिर्फ एक रील के चक्कर में। और जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो ये शख्स माफी मांगता हुआ भी नजर आया। ये वही रील है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसके चलते कार्रवाई की गई। ऋषिकेश के ढालवाला में बिजली के खंभों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बंद दुकान के अंदर जा घुसी। गनीमत यह रही कि रविवार होने से ना तो सड़क पर ज्यादा भीड़ थी और ना ही दुकान के अंदर कोई था। पुलिस ने असावधानी से ट्रैक्टर चलाने पर चालान भी काटा और साथ ही चालक को गिरफ्तार भी किया। कोटद्वार में गुलदार की दहशत बढ़ गई है। लालपुर और साथ ही पदमपुर इलाके में गुलदार का आतंक है। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और पूरे इलाके में लोग खौफ में हैं। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, गुलदार के आतंक से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और अब सड़कों पर भी चहलकदमी करता हुआ गुलदार देखा गया। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, लालपुर और पदमपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी भी है वन विभाग को लेकर और साथ ही वन विभाग से जल्द ही गुलदार को पकड़ने और पिंजरा लगाने की मांग ग्रामीणवासी कर रहे हैं। तो कोटद्वार से ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें, दिन के साथ साथ रात में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है।
जोशीमठ में भालू की दहशत इतनी बढ़ गई है कि एक दिन में भालू इधर से उधर भागता हुआ दिखाई दिया। जोशीमठ के सुनील वार्ड के लोग मोहल्ले में शादी समारोह की तैयारी चल रही थी, तो वहीं इसी बीच भालू भी शादी समारोह वाले घर के पास में भागता हुआ दिखाई दिया, जिससे लोगों ने नाराजगी जाहिर की और साथ ही लोगों में दहशत भी देखी गई। तो देखिए, शादी वाले घर से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर भालू चहलकदमी करता हुआ नजर आया और वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई है और जल्द ही भालू को पकड़ने की मांग भी लोगों की तरफ से की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार अभियान किया और नाला सुपारा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजवर नाइक के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का बिल लाया गया। दूसरी ओर महाअघाड़ी के लोग लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे नाला सुपारा सीट पर। बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव में वोट करने की लोगों से अपील भी उन्होंने की और साथ ही महाअघाड़ी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया है बिल लाकर, महिला शक्ति बंधन विधेयक पास करके। वहीं दूसरी तरफ जो अघाड़ी गठबंधन के नेता है, ये लगातार महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और ये लोग देखिए किस प्रकार से उपवास उड़ा रहे, इनकी ये जो अभद्र भाषा है, इनकी जो ये महिला विरोधी इनकी जो बात है, जो नीति है, इनकी मानसिकता है, वो दिखाती है कि ये कैसे महिला विरोधी लोगों को। महाराष्ट्र की माताएं बहन है, ये समय आ गया है, इस बार मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग ये महिला विरोधी लोगों को सबक सिखाएंगे। वहीं इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांद्रा पश्चिम में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शैलार के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास के काम तेजी के साथ में हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास के जातिगत जनगणना पर निशाना साधा और आड़े हाथों लिया और कहा कि देश में लगभग 60 सालों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार रही है, तब उन्होंने क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई। सीएम धामी ने कहा कि ये केवल एक चुनावी घोषणा है और बीजेपी जो संकल्प करती है उसे पूरा करती है। देखिए, जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है, देश के अंदर लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की और उसके गठबंधन के दलों की समर्थित सरकारें रही हैं। उन्होंने जो काम 50-60 सालों में नहीं किया, आज केवल और केवल चुनाव के समय में ये घोषणा करके लोगों को भ्रम में डालने के लिए, केवल वोटों के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जो भी ये घोषणा कर रहे हैं, इनकी केवल चुनावी घोषणाएं हैं। हमारा संकल्प है, अंतर यह है कि संकल्प है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड तमाम दूसरे राज्यों के लिए नजीर बना है। 9 नवंबर को यूसीसी लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन धामी सरकार के इस कदम की तारीफ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सेक्युलर सिविल कोड का मैसेज पूरे देश को दिया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सेक्युलर सिविल कोड की बात कही, तो दूसरा मौका 9 नवंबर को उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस का था।
जब प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार की तारीफ की और देवभूमि के संबोधन से पूरे देश को बता दिया कि यही सेकुलर सिविल कोड है जो पहले दिन से बीजेपी की सोच में रहा है। आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। पहले 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का काम बचा हुआ है और यूसीसी से जुड़े तकनीकी मामलों को देखा जा रहा है। यही वजह है कि 5 सदस्यों की एक और कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के 4 सदस्यों के साथ पुलिस की तरफ से ADG अमित सिन्हा को शामिल किया गया है। ये कमेटी यूसीसी लागू करने से जुड़े विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी। वही मास्टर ट्रेनर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप को लेकर भी ये कमेटी सुझाव और सलाह देगी। राम मंदिर धारा 370 के साथ समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़े मौकों पर इसे सेक्युलर बताते हुए अपनी बात कही, लेकिन विपक्ष को यूसीसी को लेकर बीजेपी की थ्योरी और बात समझ नहीं आ रही। और भारतीय जनता पार्टी का एक सदैव से एक राष्ट्रीय मुद्दा भी रहा, और जैसा हम शुरुआत में ही कहते हैं कि उत्तराखंड से हमने शुरुआत की है, ग्रेजुअली देश के अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने की सभी राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूसीसी है कहाँ, इनका कहाँ खो गया और कब लागू करेंगे? केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, समाज के ध्रुवीकरण करने के लिए, समाज में बंटवारा करने के लिए? यूसीसी के प्रति सरकार ईमानदार नहीं है, ये बात हमने पहले भी कही थी, आज भी कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें या सेक्युलर सिविल कोड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के 24 साल पर इसे मिसाल बता चुके हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड से लागू होने जा रहे यूसीसी पर बीजेपी की नजर है और इंतजार इसके उत्तराखंड में लागू होने का है, ताकि धामी सरकार के इस कदम के साथ दूसरे राज्य भी आगे बढ़े। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड के संत समाज ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग शुरू कर दी है। संतों का कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम लोगों के लिए वे बोर्ड कम कर रहा है, और इसी प्रकार सनातन धर्मियों के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। संतों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जल्द उत्तराखंड में सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, जिससे सनातन धर्म के लिए सरकार भी काम कर सके। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सनातन बोर्ड की मांग का स्वागत किया है। चला हुआ हमारा सनातन धर्म है, इसके बारे में यदि इस प्रकार का कोई भी बोर्ड बनता है तो स्वाभाविक रूप से सनातन को जहां बल मिलेगा, वहां हम जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ और ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत स्वागत। सोमवार से केदारनाथ उपचुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा और कांग्रेस के बड़े नेता पहले से प्रचार में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी के बड़े नेता आखिरी हफ्ते में जान झोंकेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना तक फील्डिंग सजाई है, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ का उपचुनाव सिर्फ कहने को उपचुनाव है, वरना सच ये है कि सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों के लिए ये सीट नाक का सवाल है। एक एक वोट को साधने के लिए कांग्रेस के 4 बड़े नेता जहां अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, तो गढ़वाल से लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल बद्रीनाथ के बाद यहाँ दमखम से जुटे हैं। गढ़वाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता जी जान से पार्टी के साथ है, ये संदेश कांग्रेस केदारनाथ से देना चाहती है। यही वजह है कि यशपाल आर्य, हरीश रावत और करण माहरा के साथ साथ गणेश गोदियाल प्रचार अभियान में जुटे हैं।
वहीं बीजेपी सोमवार से अपना प्रचार अभियान तेज करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट अब लगातार केदारनाथ में रहेंगे, तो 12 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और सांसद भी 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक केदारनाथ में नजर आएंगे। 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गांवों में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहां पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट को फिर से हासिल करना साख का सवाल है। यही वजह है कि दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ और लुधियाना में रहने वाले वोटर पर भी बीजेपी की नजर है। रविवार को लुधियाना में ऐसे ही प्रवासियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने बाकायदा मीटिंग की। एक अनुमान के मुताबिक इन शहरों में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के करीब 1000 वोटर हैं, जिन्हें 20 नवंबर को बीजेपी जीत के लिए पोलिंग बूथ तक लाना चाहती है। में जो लोग यहां से बाहर अपनी आजीविका के लिए गए हैं, उन मतों को लाने का उनका दारोमदार है, और यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां प्रचार में नहीं है, वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं, उनको यहां लाने की जुगत कर रहे हैं। इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार ने केदारनाथ के साथ छल किया है और अब उनको यहां के लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए बाहर से मत लाकर वो लोगों का जो ओपिनियन है उसको बदलना चाहते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज केदारनाथ उपचुनाव जीतना है, क्योंकि इस सीट पर हार हो या जीत, दोनों सूरत में संदेश पूरे देश में जाएगा। ऐसे में प्रचार के आखिरी हफ्ते में केदारनाथ में दोनों पार्टी दम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और दोनों पार्टियां इस वक्त केदारनाथ में एक एक वोट के लिए मशक्कत कर रही हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। २०२० में हाईकोर्ट में धान के किसानों के भुगतान को लेकर याचिका लगाने वाले किसान नेता गणेश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि किसानों की अनदेखी की जा रही है। दरअसल याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि धान के किसानों का भुगतान तत्काल किया जाए। वहीं गणेश उपाध्याय ने कहा कि धान की खरीद सीजन में भी किसान धक्के खा रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को चेताया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो कोर्ट में फिर कंडेंट फाइल करेंगे। जैसा जनहित याचिकाकर्ता इस 6R की मेरे पास कॉपी रखी है, 28 तारीख को मेरा तुल चुका है, 28 अक्टूबर, और आप कितने दिन होंगे? 12 दिन होंगे, भुगतान नहीं हुआ, और इसी सरकार ने मेरी जनहित याचिका में लिखित तौर पर एफिडेविट दिया था 24 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर भुगतान करेंगे, ये हालात है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों को बाकी दुनिया से जोड़ने में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का अहम रोल है, लेकिन कुमाऊं की लाइफलाइन पर क्वारब के पास में ब्रेक लगा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर क्वारब के पास दरकती पहाड़ियां मुसीबत बन गई हैं। बीते करीब 1.5 महीने से हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के ट्रीटमेंट के लिए रात को प्रशासन हाईवे पूरी तरह बंद कर देता है। ग्वारा पुल का जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए हमने TSDC की टीम मंगाई थी, भूगर्भ शास्त्रियों को भी बुलाया था, बहुत सारे लोग, सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आई थी, और हमारे NHAI के लोग, NH के लोग और हमारे PWD के लोग, सारे लोगों ने, बहुत सारा प्रशासन, जिला प्रशासन, सब ने इसमें अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, मगर अभी हमारी TSDC ने इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए DPR बनाई है, वो DPR को हम सेंशन करते हैं। 2010 से घटना हो रही थी और इस समय एक ट्रिगरिंग हो गई है और काफ़ी तेज़ी से मलबा आ रहा है। रात्रि में तो हमने यातायात बंद किया हुआ है और इस पर NH कार्रवाई कर रहा है। NH के अधिशासी अभियंता से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन में इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। हाईवे निर्माण की वजह से रात को सड़क बंद की जा रही है, जिसके खिलाफ अब कारोबारी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। दरअसल रात को हाईवे बंद होने की वजह से कारोबारियों का सामान नहीं आ पा रहा
और सड़क खराब होने की वजह से पर्यटक भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कारोबारी बेहद खफा हैं। कारोबारियों का कहना है कि डेढ़ महीने से हाईवे को रात में बंद किया जा रहा है, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। जब से रात का समय ही टूरिस्ट का रुकने का समय होता है और 8 से 6 बजे तक हमारा रोड काफी समय से बंद हो रहा है। बंद होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बंद हो रहा है अगर वहाँ पर काम भी चला और फटाफट उसको काम कंप्लीट किया जाए तो अच्छा रहेगा। अब रोड खाली बंद हो जाए और सुबह और कुछ काम ना चले तो इसमें पूरे पर्यटन, अल्मोड़ा शहर, सारा जिला और आगे पहाड़ों को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। तो हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसको शीघ्र ही बंद कर रहे हैं तो इसमें काम भी स्टार्ट कराएं। अगर वहाँ पर कुछ काम स्टार्ट नहीं होगा तो हम व्यापार मंडल अन्य संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है होटलों को भी हमें बंद करना पड़े कुछ टाइम के लिए। कुमाऊं की लाइफलाइन क्वारप पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी भारी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और देहरादून में 67वीं डिस्ट्रिक्ट एनुअल एथलीट मीट का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 32 स्कूलों के करीब 850 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस मीट का उद्देश्य युवा एथलीटों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करना है, जहां विभिन्न एथलेटिक्स इवेंट्स जैसे कि रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे कई खेलों में युवाओं ने अपने हुनर को दिखाया। इस आयोजन से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के अवसर के साथ ही उनकी शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा। मेरी तैयारी तो ऐसी रही सर, मतलब अभी मैं बीच में इंजरी में आ गई, उससे पहले मतलब मैंने बहुत मतलब कोशिश करी। यहाँ पे मेरे कोच हैं, उससे पहले भी मेरी मतलब जहाँ पे कोच रहे परेड ग्राउंड में, ये भैया भी मेरे कोच हैं, इन्होंने मुझे बहुत मतलब अच्छा मोटिवेशन दिया। पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी ONGC ग्राउंड से, फिर परेड ग्राउंड भी मैंने किया, वहाँ पे अंकित सर ने हमें सिखाया, अवतार सर, और ONGC ग्राउंड में हमें अर्चना मैम सिखाती थी। फिर वहाँ से अब हम यहाँ ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम की हमारी ट्रेनिंग है। कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों से मेहमान परिंदे आने शुरू हो गए हैं और इन मेहमानों के कद्रदान भी इन्हें निहारने अब इन जलाशयों के करीब जुटने लगेंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुदूर हिमालय से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी अब कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में डेरा डालने लगे हैं। ये पक्षी गर्मी की शुरुआत तक यहाँ रहेंगे, बाद में ये एक बार फिर यहाँ से वापसी की उड़ान भरेंगे। इन पक्षियों को देखने देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं, जो यहाँ बर्ड वॉचिंग के गाइड्स को अच्छा रोजगार दे जाते हैं, जिससे इनकी अच्छी आमदनी होती है। जो सर्दियों का समय होता है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बढ़िया समय है और इसका इंतजार हम सब लोगों को यहाँ पर रहता है, जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे स्थानीय जो शहरवासी ग्रामवासी हैं, उसके अलावा जो पर्यटक हैं या फिर जो बर्ड वॉचर हैं या फोटोग्राफर्स हैं, उनको इनका इंतजार रहता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। करीब अक्टूबर नवम्बर से लेकर जनवरी फरवरी तक यहाँ पर रहते हैं ये पक्षी। यहाँ के कोसी बैराज, तुमड़िया, बौर और हरिपुरा जलाशयों में पहुँचते हैं। इन मेहमान परिंदों की सुरक्षा भी वन विभाग के लिए चुनौती होती है। जैसे ही अभी स्टार्ट हुआ है हमारे तुमरिया डैम, कोसी बराज और बाकी जलाशय में भी आने शुरू हो गए हैं, उसको देखते हुए हमने हमारे टीम को अलर्ट कर दिया है और हमारा पेट्रोलिंग टीम को भी अलर्ट कर दिया है, ताकि इनका सुरक्षा भी रहे और मॉनिटरिंग भी रहे, और इसके साथ साथ हमारा बर्ड काउंट का जो हमारा एनुअल प्रोसेस होता है उसको भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस बार एक प्रपोजल भी भेजा है कि एक छोटा सा बोट का व्यवस्था के लिए भी एक प्रपोजल भेजा है, अगर ये बोट मिल जाता है तो ये पेट्रोलिंग एफर्ट में और ये स्ट्रेंथन हो जाएगा। अब सर्दियों भर यहाँ के जलाशय इन मेहमान परिंदों से गुलजार रहेंगे, जिनके दीदार के लिए पक्षियों प्रेमियों का हुजूम भी उमड़ेगा। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। विकास नगर के आसन बैराज पर विदेशी पक्षियों के दीदार के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और इन दिनों आसन बैराज की झील पर हजारों की संख्या में कई देशों से आए विदेशी पक्षी प्रवास के लिए पहुंचे हुए हैं।
जिससे ये झील आजकल पर्यटकों से गुलजार है, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण और साथ ही पक्षियों के प्राकृतिक स्थानों के साथ बढ़ते इंसानी दखल पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा तो अभी बताया कि हमारे पीछे है हिमाचल, जहां बहुत सारा रिवर में स्टोन्स या कुछ उठा रहे और फैक्ट्री की आवाज़ है, लेकिन उत्तराखंड का साइड में तो बहुत ही पीसफुल है अभी के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर तो हमला होते ही रह रहा है हमारा। बर्ड्स आर सो ब्यूटिफुल, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, आई मे नॉट रिमेंबर द नेम्स सो लूसिडली, लेकिन वॉट आई गॉट टू लर्न, आई विश हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार उत्तराखंड प्रमोट्स दिस प्लेस स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।